हेलो गाइस, हमारे टू चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारे पास हीरो HF डीलक्स BS6 मॉडल की आई हुई है, सर्विसिंग होनी थी और इसमें ओवर हीटिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। तो आज हम ओवर हीटिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि ओवर हीटिंग किस कारण ओवर हीटिंग बाइक होती है। गर्मियों में ज़्यादातर इसकी समस्या आती है कि ओवर हीट हो रही है बाइक, चाहे BS6 हो, चाहे BS4 हो, चाहे जो भी बाइक हो, छोटी सी लेके बड़ी तक बाइक हो। ओवर हीटिंग के 5 कारण हम आपको बताएंगे, नोट कर लेना। 5 कारण होते हैं बाइक आपकी कभी ओवर हीटिंग नहीं होगी। पहली जो बात है कि इंजन ऑयल होता है, इंजन ऑयल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। और वो हम दिखाते हैं इंजन ऑयल इंजन में कितनी मात्रा में होना चाहिए, पहले तो हम उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। ये हमारा इंजन ऑयल का गेज हो गया। एक गेज हम आपको दिखाते हैं कि कितना इंजन ऑयल रहना चाहिए। ये आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, आप पूरा चेक कर लें, देख लें। और इसमें ये निशान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक आपका इंजन ऑयल रहता है तो बाइक कभी भी हीट की समस्या नहीं होगी, यहाँ तक, ठीक है। अगर यहाँ तक होता है तो भी बाइक हमारी हीट करेगी, ठीक है। तो हमारा इंजन ऑयल यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है, बाइक हमारी हीट नहीं करेगी, ठीक है। पहला तो कारण ये हो गया है, ठीक है। दूसरा कारण हम आपको बताएंगे कि जो हमारा एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर मैंने इंस्टॉल कर दिया है फ़िलहाल के लिए। एयर फिल्टर अगर हमारा गर्मियों में ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब गर्मियों में बाइक चलती है तो जो हवा चलती है और गर्मियों में हवा चलने में डस्ट ज़्यादा आती है, और डस्ट में क्या होता है, हमारा जो एयर फिल्टर होता है, एयर खींचती है हवा, हवा खींचता है एयर फिल्टर छान के और हवा इसे मिक्सर करके थ्रॉटल बॉडी को देता है, फिर चलती है हमारी बाइक। तो पहली बात, अगर एयर फिल्टर ख़राब है तो उसको चेंज कर दें या चेंज करवा दें, ठीक है। और अगर ठीक है तो उसको क्लीन करवा के लगवा दें। तो दूसरा तो कारण ये हो गया है हीट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस बाइक में कितना इंजन ऑयल निकला है, देख सकते हैं, ये 350 ml इंजन ऑयल निकला है। और ये जो मग है, ये हर मैकेनिक के पास होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होना ज़रूरी होता है कि जब भी आप बाइक की सर्विस करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बाइक में कितना इंजन ऑयल निकला है और कितना निकलना चाहिए, क्योंकि इस बाइक में 900 ml इंजन ऑयल पड़ता है। और इसके बाद गाड़ी 1800-2000 किलोमीटर चल जानी चाहिए, इसके बाद इंजन ऑयल चेंज होता है। तो चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। अगर किसी मैकेनिक के पास नहीं है तो परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो हम दूसरा बताएंगे आपको हीटिंग की प्रॉब्लम, तीसरी हीटिंग की प्रॉब्लम बताएंगे। ये समस्या है, ये जो बरसाती लगी होती है बाइक में, बरसाती लगी होती है तो इसमें सही सटीक बरसाती लगी हुई है, क्योंकि कभी कभी देखा है आपने बाइकों में ये यहाँ तक बरसाती लगा देते हैं मैकेनिक, और इससे हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। और चौथी बात, ये जो आपको डस्ट दिखाई दे रहा है, ये इंजन में डस्ट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, इससे भी हीटिंग की प्रॉब्लम आती है। इंजन में कहीं भी डस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये भी व्यवस्था दी जाती है, ये लाइनिंग दी जाती है, ये भी मतलब हवा को ठंडी करने के लिए दी जाती है। और ये जितनी भी लाइनें होती हैं इंजन के अंदर, ये हेड में और ये सिलेंडर में, इससे हवा क्रॉस होती है और ये इंजन को ठंडा करती है। तो कभी भी गर्मियों में क्या करें कि बरसाती अगर ऊपर तक है तो बरसाती को ना लगवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इंजन की हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी। पांचवी समस्या ये है कि अलॉय व्हील चेक कर लें, हमारा अलॉय व्हील टाइट तो नहीं है, ब्रेक टाइट तो नहीं है। गर्मियों में ब्रेक थोड़ा लूज अगर रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हीटिंग प्रॉब्लम समस्या नहीं खड़ी होगी। दूसरी बात, ये हमारी चैन होगी, चैन की एडजस्टिंग दिखा दें हम आपको।
कि इतनी ये इतनी खुले पाइप में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा भी टाइट कर देंगे तब भी हीटिंग प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप, इतनी खुले होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं हमारे जो नए मैकेनिक हैं जो काम सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं चेन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइट कर देते हैं, तो भी हीट की प्रॉब्लम आ जाती है और हमारे जो कस्टमर हैं वो बाइक को चलाते रहते हैं और नहीं समझ पाते हैं कि इसमें समस्या क्या है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बाइक को गर्मियों में इंजन को बचाएं, इंजन की गर्मी से बचाएं। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और छोटी सी बात है कि जो इंजन ऑयल इसमें बेसिक बाइक है, इंजन ऑयल जो डाल रहे हैं, पहले तो क्या होता था कि 10W30 डाला करते थे सर्दियों में, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ जाती थी 20W40 डालने में गर्मियों में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी। तो अब गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अगर इसमें 20W40 इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और लेकिन सर्दियों में अगर 20W40 डाल रहे हैं तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी अगर गर्मी पड़ रही है तो 20W40 डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इंजन से जो V6 बाइक है उसमें इंजन से साउंड जो है आवाज़ करने लगता है, तो 20W40 डालें ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोगों को वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।